ये क्या है आप लोग बताना। यह है एच स्टेडियम, कोलकाता एच स्टेडियम। ये आपको दिखाता हूँ हावड़ा ब्रिज, जो बाहर से हावड़ा ब्रिज जंक्शन जो दिखता है वो दिखाता हूँ। यहाँ फूल बिक रहा है, फूल पत्ता। और अगर आपको फूल बेचने के लिए खरीदना है तो आपको रहा जमालपुर जंक्शन, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम अब कोलकाता जो कि हावड़ा स्टेशन है वहाँ पे जाते हैं। और आप लोगों को कुछ कलकत्ता का वीडियो दिखा। एक्स्ट्रा गाड़ी लग रहा है दमदम में से। हम आ गए हैं हावड़ा जंक्शन और इससे बाहर जाते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो ट्रेन लगा है यही ट्रेन से आएगा। इस प्रकार का कुछ हावड़ा स्टेशन है जो आप देख सकते हैं, आपको दिखा। अगर आपको यहाँ से टैक्सी लेना है तो आप यहाँ से टैक्सी ले सकते हैं। यह है हावड़ा ब्रिज जो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेन रूप से फेमस यही है जो कि हावड़ा ब्रिज को बोला जाता है। ये आपको दिखाता हूँ हावड़ा ब्रिज, जो बाहर से हावड़ा ब्रिज जंक्शन जो दिखता है वो दिखाता हूँ। ये रहा आपका जंक्शन। टाइम 6:11 हो रहा है। मैं हावड़ा ब्रिज पर आ गया हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये हावड़ा ब्रिज पे हम खड़ा हैं और इधर से गाड़ी जा रहा है और आप लोगों को दिखाते हैं। अभी सुबह के टाइम है और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, बहुत सारे आते हैं, जो कि कोलकाता का जो है वो फेमस मेन रूप से माना जाता है। तो घूमने के लिए तो आएगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आप लोग गाड़ी देख रहे होंगे। मेन रूप से दो लाइन है हावड़ा ब्रिज में, एक आने के लिए एक जाने के लिए। और ये मुझे पता नहीं है कितना मीटर का है। और आप देख सकते हैं इधर बोट भी लगा हुआ है, बोट भी कर सकते हैं। हावड़ा जंक्शन भी आपको दिखा दिए, तो आप देख सकते हैं वो दिख रहा है।
यहाँ फूल बिक रहा है, फूल पत्ता। और अगर आपको फूल बेचने के लिए खरीदना है तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नीचे है वो आपको दिखाता हूँ। इधर आपको अगर फूल बेचने के लिए खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ नीचे में फूल बिकते रहता है, मतलब यहाँ से आप खरीद के बेच सकते हैं। ये बहुत जैसे मंडी ना होता है सब्जी का, उसी तरह से यहाँ फूल का मंडी लगा हुआ है। यहाँ से बहुत लोग दूर दूर से आते हैं खरीदने के लिए। ये पूरे जो है ये फूल का मार्केट है, जो आप पूरे फूल का। और यहाँ पे दूसरा कोई चीज आप देखते हैं, सारे फूल ही बिक रहे हैं, सारे फूल ही हैं। जब आप लोगों को नया नया शहर में आते हैं तब आप लोगों को कुछ पता नहीं होता है, तब घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। जब सब कुछ पता ही है किधर क्या है तो उसमें घूमने में उतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन जो चीज़ पता ही नहीं है कि ये चीज़ कहाँ पे है, वो चीज़ कहाँ है, जो कि ढूंढने का मज़ा होता है, वो जो चीज़ आपको पता नहीं है उसी के बारे में चल सकता है। और घूमने के बाद आपको हर चीज़ का मतलब पता चलता है कि कहाँ पे क्या है, आपका ढूंढने का जो है वो चीज़ भी आपको ढूंढने का टिकट मिल जाता है। तो आप लोग ये बाईपास बनाया गया है जो कि आप इस पास से रोड के उस पास जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ वजह सा लगा हुआ है जो आप ओवर ब्रिज मतलब फ्लाई ओवर के नीचे बोल सकते हैं, फ्लाई ओवर या ओवर ब्रिज के नीचे ये कुछ दुकान सा लगा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार का बिल्डिंग है जो आप देख सकते हैं। और इधर इस प्रकार का कुछ दुकान उकान लगा हुआ है। हम जा रहे हैं उस गली में, आपको दिखाता हूँ पूरे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है और दोनों साइड गली का नाम मुझे नहीं पता है, परमेश्वर अपार्टमेंट करके कुछ लिखा हुआ है। ये जो दुर्गा पूजा है, ये जो मंदिर है, ये हावड़ा आप देख सकते हैं, हावड़ा लिखा हुआ है। इस तरह के आपको हर जगह सेम ही बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सेम इसी कलर में है। जितने सारे बिल्डिंग हैं इसी कलर में दिख रहे हैं। इधर भी आप देख सकते हो, जैसे हावड़ा जंक्शन का जो ये बिल्डिंग आप देख लो, आपको दिखाता हूँ। और वहाँ पे देख लो इसी तरह के यहाँ पे बिल्डिंग या होम जो कह लो वही देखने के लिए मिलेगा। और इधर देख लो ये सारे जितने बिल्डिंग हैं सारे पुराने टाइम के बने हुए। और इधर के टाइम में पहले ये जैसे भारत का राजधानी अभी नई दिल्ली है वैसे ही पहले कोलकाता हुआ करता था, इसलिए इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना। ये बिल्डिंग देख लो कितना सही लग रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है बिल्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, लगभग आप बहुत पुराने पुराने हैं। जैसे दिल्ली में सीपी हैं उसी तरह यहाँ भी बहुत सारे पुराने पुराने हैं। लेकिन यार यहाँ जो है ना मतलब दो तरफ है, एक हावड़ा ब्रिज है आप इस तरफ आ जाते हैं या तो एक उस तरफ है, लेकिन उस तरफ मैंने ज़्यादा कुछ अभी नहीं देखा, इस तरफ आ गया। और देखते हैं इधर क्या क्या है, बहुत चीज़ ऐसे हैं जो कि आप लोगों को वीडियो में तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जो दिख
जो दिखाने वाला चीज़ होगा मैं आप लोगों को उन चीज़ों को दिखा दूँ। एक और चीज़ दिखाता हूँ, बस ऐसे ही चीज़ आप लोगों को दिखाते जाऊँगा। और इस तरह से कोलकाता दिखता है जो आप देख रहे हैं। आप टैक्सी देख रहे हैं, उल्लू टैक्सी, यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे चलते रहता है। और यहाँ पे कौन है आप लोग बताना। ये एक भवन है जो आप देख सकते हैं, बस ऐसे ऐसे भवन आपको दिखाते रहेंगे। और तो यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए है नहीं जो आप लोगों को दिखाऊं। ये क्या है आप लोग बताना। ये है स्टेडियम, कोलकाता स्टेडियम जो आप देख। ये ICC मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया 2023। यह कोलकाता स्टेडियम जो देख सकते, इसके अंदर जाने के लिए नहीं दे रहा, पता नहीं क्या दिक्कत जो इस प्रकार से दिखता है जो आप देख सकते हैं। और यहाँ का इस प्रकार से कुछ विरोध है जो आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं जो है स्टेडियम दिख रहा है, इसके अंदर तो जाने के लिए नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों। इसका टिकट भी कोई, मेरे हिसाब से इस स्टेडियम में अंदर जाने के लिए जब अभी मैच नहीं हो रहा है कोई टिकट भी एक होना चाहिए, जो कि कोई भी आदमी टिकट भी पे करके अंदर जा सके और देखने के लिए आते हैं। ऐसे थोड़ी ना है मैच होगा तभी कोई देख सकता, लेकिन अंदर जाने के लिए बोला नहीं, अंदर जाने के लिए नहीं मिलेगा। ये गेट नंबर 16 है, 16 जो देख सकते। ये उसी का पार्क है जो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार। और आप लोगों को आगे दिखाते हैं कहां कहां जाते हैं वो। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपना इस वीडियो में शक्ल उतना नहीं दिखाऊंगा जैसे शक्ल दिखा के बात करता हूं, इस तरह से नहीं बात करूंगा, क्योंकि जैसे अभी बात कर रहा हूं उसी तरह से बात करता रहूँगा आप लोगों से। ये पूरा का जो पूरा है SBI का बिल्डिंग है जो आप देख सकते हैं, पूरा बहुत बड़ा बिल्डिंग है। Thank you.